मनोरक्षा परियोजना क्या है ये किसके सहयोग से चालू किया जा रहा है देखिए हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा एन आई एम एच ए यानी कि निम्हंस बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू किया गया है इस परियोजना का उद्देश्य है कि भारत में महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना यह परियोजना वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी कोविड अवधि के दौरान वन स्टॉप सेंटर्स ने बेहतरीन काम किया है वर्तमान में देश में 700 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं वन स्टॉप सेंटर में महिलाएं चिकित्सा कानूनी और आपराधिक मुद्दों पर सहायता प्राप्त कर सकती हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इसे समझना आसान हो जाए निमहंस द्वारा एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसमें प्रशिक्षण के संबंध में काफ़ी जानकारी है यह परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर दो प्रारूपों में लागू की जाएगी एक प्रारूप के तहत सुरक्षा गार्ड रसोइया सहायक केस वर्कर परामर्शदाता केंद्र प्रशासक पैरामेडिकल स्टाफ आदि सहित सभी यानी वन स्टॉप सेंटर पदाधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त होगा और दूसरे प्रारूप के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में बहुपीढ़ी के निहितार्थ और आजीवन आघात जैसे विभिन्न घटकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्नत पाठ्यक्रम पर जोड़ दिया जाएगा आइए जान लेते हैं वन स्टॉप सेंटर क्या है देखिए वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है ये केंद्र उन महिलाओं की सहायता करते हैं जो घर समुदाय और कार्यस्थल में हिंसा का शिकार हुई हैं जो महिलाएं है, यौन शारीरिक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना कर रही हैं उन्हें उनकी उम्र वर्ग जाति शिक्षा की स्थिति वैवाहिक स्थिति जाति या संस्कृति के परवाह किए बिना सहायता प्रदान की जाती है